अजीब कुदरत है, वो बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है, खुदा की उनके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है, लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है कि हम उनकी आवाज चुन लें। सर प्रदेश महेश्वरी सर का जो NIT सूरत से पास आउट है और लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स को अब तक गाइड कर चुके हैं और उनको अपनी मंजिल तक IIT और AIIMS तक पहुंचा चुके हैं। फिजिक्स टीचर, मेंटर, गाइड, मोटिवेटर और इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द फील्ड ऑफ साइंस कोचिंग फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो मैं बुलाना चाहूंगा और सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियों से खैर खत्म करें, स्वागत करें। लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ, लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ छेड़ दीजिए कोई गजल एक नए अंदाज के साथ। अरे भाई नजारा इतना गजब का बढ़िया है यहाँ पर, अगर ऊपर से इसको आसमान के हिसाब से खुला करते और वो तीसरी शक्ति उसको भी दृश्य का नजारा देखने के लिए एक तो अवसर दे दे तो शायद ऊपर से बोलेगा, ऊपर वाला इसको देखकर पहले तो तरस रहा होगा और जब देखा होगा अनायास उसके मुंह से निकल गया होगा, वाह क्या सीन है। और क्यों ना सीन, क्योंकि यहां तो बच्चों का भंडार है और आज मंगलवार है और आपको मालूम है एनर्जी का प्रतीक एक हनुमान जी, उनका अवार्ड भी आज का ही होता है। और कहते हैं हमारे देश के, स्पेशली हमारे देश के, मैं विदेश की बात नहीं कर रहा, हमारे देश के एक एक बच्चे में तो एनर्जी हनुमान जी से कम नहीं होती। और आप ये तो जानते हनुमान जी कौन थे, वो एक बार भूल गए थे कि मेरे पास कितनी एनर्जी है, क्योंकि चर्चा चल रही थी, बिना चला था मैया सीता कारण हो गया था और भगवान राम अपने छोटे भाई लखन के साथ समुद्र किनारे विचार कर रहे थे इतनी बड़ी लंका का सम कैसे समुद्र पार करके पहुंचा जाए, तो हनुमान जी के बिल्कुल किनारे बैठे हुए थे, गुमसुम थे क्योंकि वहां हनुमान के रूप में थे, विचार कर रहे थे मेरे भगवान का कैसे चेहरे पे मुस्कान आए, ये विचार कर रहे थे। और पूरी वानर सेना में दो इंजीनियर थे, उन्होंने जाके हनुमान जी से बोला, हनुमान इस बात में गुमशिल हो, उदास हो, तुम किसको देख रहे हो, समुद्र को देख रहे हो, अरे तुम भूल गए, तुम तो एक छलांग में 7 समुद्र ला सकते हो, तुम्हें इतनी गजब की एनर्जी है, ये देख समुद्र है, अरे एक बार तुम अपने को वापस कटो तो अंदर की अपनी पावर की शक्ति को वापस समेटो, कैसे कर दो,
थे। इसलिए बच्चों आप भी जब उनसे उदास हो जाते हो तो आप भी अपनी ऊर्जा को भूल जाते हो कि आप में क्या गजब की पावर छुपी हुई है। बस उस पर हमेशा हमें एक्टिवेट करना है। और सबसे अच्छी बात है हमारा ये उम्र के सफर का सिलसिला चलता है। जब कोई बड़ा जो अपने को बड़ा मान लग जाता है, बच्चों की दुनिया में आता है तो बच्चों का हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और ये बिल्कुल एक शाश्वत सत्य है कि बड़े जब बच्चों की दुनिया में आते हैं उन्हीं के हो जाते हैं, क्योंकि तो बड़े स्पार्शली की दुनिया में फालतू के नेगेटिव स्ट्रेस प्रेशर टेंशन डिप्रेशन इन शब्दों से मुस्कुराना भूल जाते हैं। तो इंसान की सही पहचान है और बच्चों के वापस सही पहचान दिलाता है। इसलिए कहते हैं बच्चों की दुनिया में जो आता उन्हीं का हो जाता है। क्योंकि बच्चों में यह इंसान की खास पहचान है मुस्कान। एक में मुस्कुराना और दूसरा ताली बजाना। अगर आप ताली बजाएंगे तो फायदे बहुत होंगे। सबसे पहले तो अगर आप ताली बजाते हैं अच्छी तरह से तो पास में सो रहा उसे जगा दें, फिर मच्छर उसे भाग देंगे और सबसे अधिक फायदा खुद का करेंगे। जब ताली बजाते हैं तो हमेशा प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव एनर्जी। सोचिए अपनी क्योंकि पूरा यहाँ का और हिस्से बन चुका होगा पॉजिटिव एनर्जी। एक बार बात कहते हैं घर के भी बात है, कहते जब बच्चा खुश होता है तो ताली बजाता है, बच्चा खुश होता है तो ताली। तो सीधी सी बात है, कभी ये मत सोचना नेगेटिव अच्छा हमको ताली बजाने की गुजारिश है। साहब ताली बजाने से सबसे ज्यादा फायदा तो खुद का होता है। हम आपको विश्वास मन के रखना, हम सब पायलट स्पेयर का पार्ट है और एक सब्जेक्ट और हम ह्यूमन बींग्स पर उस पायलट की थ्योरी एक ही तरह से काम करती है। भले कोई स्ट्रेट सब्जेक्ट में ना पड़े तो भी इसकी बॉडी तो वही है। और ये बायो की थ्योरी हर ह्यूमन बॉडी की बॉडी पर क्या कहती है, जब इंसान ताली बजाता है एक बार बजा के देखे तो खुद को विश्वास नहीं आएगा। Thank you.
डॉक्टर क्या बोलेगा इसके लिए? आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चल रहा है, ताली बजाई ताकत से और हाथों में क्या गई? ताली मार गई। लेकिन क्या ये ब्लड सर्कुलेशन के हाथों में होगा? ये तो पूरी बॉडी में होगा, पूरी बॉडी में समय आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। अरे हाथों में तो ताली मार गई, जब अगल बगल एक तो कान को देखिए, कान पेंकश हो गए होंगे, वो ताली मार गई होगी। अगर जल्दी कूड़ा नहीं होना चाहते तो ये कला जो ऊपर वाले दी है इसको यूज करते रहिए। जब मौका पूरी ताकत से बजाइएगा तो कह रहा हूं कोशिश करिए, रोज आदत बनाइए, एक बार एक मिनट के फिर पूरी ताकत वाली बजे। जमाना में तो किसका है, जो फिट है वही तो जाता है। वो हमारी भारत माता हो, वो हमारी देश की धरती माता हो, वो हमारी गोद में गाय माता हो, इन सबको या कई देवी के रूप में देवी माता हो, इन सबको माता के रूप में। और यहाँ पे सशक्ति ये भी कहती है यह प्रणाली पूजते मंत्र